वेलकम बैक वंस अगेन। एक इमेज है जिसे हम रिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लेयर का कॉपी कर लेना है आपको, जिस लेयर पे आप काम करने वाले हैं एक बैकअप बना के रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे पैच टूल यूज करेंगे, ठीक है। पैच टूल बेसिकली क्या करता है, जो भी पिंपल्स का एरिया है या जो भी डार्क स्पॉट है या कोई कटिंग्स वगैरह है, इन सभी को हम यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके पैच के थ्रू से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन लेयर का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट मींस कि जिस लेयर पे वो एडिट आप करना चाहते हैं वो विजिबल होना चाहिए एंड वो चीज का सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आपको आउटलाइन क्रिएट करना है उस स्पॉट के चारों तरफ एंड उसे अच्छे वाले जगह पे, यानी जहां पे फेस क्लीन है वहां पे ले जाके आपको प्लेस करना है। आप इसे आजमा सकते हैं, दैट मींस कि ट्राई कर सकते हैं। वैसे सिर्फ एक ही टूल से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, इसमें कुछ और चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। बट जो इन सभी को यहाँ पे इसी तरीके से हम रिप्लेस करेंगे, लेटर ऑन में आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा। वन बाई वन करके आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है, जो जो चीजें मैं टेक्निक्स दिखा रहा हूँ, ओके। एक जो हम इमेज लिए हैं इसका आपको थंबनेल में एक व्यू मिल गया होगा कि वो कैसा पहले था ओरिजिनल एंड चेंज होने के बाद वो कैसा लगा। इमेज कई बार हमारे पास इस तरह से आते हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता, दैट मीन्स कि उसमें पिंपल्स हैं या कई सारे और भी चीज़ें होती हैं। तो आप इस टूल की मदद से, इस पैच टूल की मदद से इन सभी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं, तब तक आप बने रहिए एंड जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड शेयर करें। फोटोशॉप में ऐसे बहुत से टूल हैं आपके पास जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मींस कि जो भी एडिटिंग का काम है, खास करके इमेज को रिफाइन करने के बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास। और अगर आप सारे टूल्स को सीखोगे तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जहाँ पे जिस भी टूल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मींस कि आउटपुट लाने के लिए जो सबसे बेहतर होता है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल मैं यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सिलेक्शन मैंने कर लिया है, अल्ट बटन को होल्ड करेंगे जहाँ पे अच्छा वाला एरिया वहां से एंड जो स्पॉट एरिया है छोटे छोटे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली वो ब्रश के तरह परफॉर्म करेगा एंड वहां पे क्लिक करके मैं अल्ट फिर क्लिक अल्ट क्लिक अल्ट क्लिक, ठीक है। जो नियर बाय एरिया है मेक श्योर कि उसी का सिलेक्शन करके आप काम करेंगे। आप देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ रैंडमली, यानी मेरा एक फिंगर जो है वो अल्ट बटन पे है, मैं क्लिक करता हूँ फिर मैं माउस यूज कर रहा हूँ एंड मैं कंस्टेंटली उस पर क्लिक एंड क्लिक कर रहा हूँ, सो दैट कि इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से रिफाइन कर सके। हीलिंग ब्रश टूल, तो आपको भी यही टूल यूज करना है। तो सबसे पहले पैच टूल से काम कर लेंगे, क्लीन करते चलेंगे। जहां पे भी पैच टूल है, पैच बड़े वाले स्पॉट्स के लिए है और उसको फाइनल टच देने के लिए हीलिंग ब्रश टूल है, ये आपको ध्यान रखना है। इमेज के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड कोई डाउट है मेरे साथ शेयर कीजिए। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। मैंने कई सारे वीडियोस और भी इमेज रिफाइन से रिलेटेड बनाए हैं जिन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें गाइस एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और हम आपके लिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स बना सकें। जो लोग फोटोशॉप नहीं पढ़े हैं, जिन्हें टूल्स का आइडिया नहीं है, वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मास्टरी कोर्स मैंने फोटोशॉप का बनाया है जिसमें फंडामेंटल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे टूल्स मैंने डिस्कस करे हैं। उस कंप्लीट सीरीज को जरूर देखिए, आपके लिए वो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। That's all for this video.
मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।